हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालक लगा के दिखाऊंगी। दोस्तों, छत की मिट्टी काफ़ी हार्ड थी तो मैंने इसको पानी डाल के नरम कर लिया। तो मैंने इसको थोड़ा सोचा कि और नरम रखूं, तो मैं इसमें थोड़ी सी हस्क मिला दूंगा। राइस हस्क होती है ये इजी आपको सेलर से मिल जाएगी जहाँ पे चावल का पिसाई होती है। तो गाइस, इसको मैं डालूंगा, इससे मिट्टी नरम रहेगी थोड़ा और ये हार्ड भी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे कोकोपीटा भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। गाइस, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है पालक लगाने के लिए। हमारे ग्राउंड मैंने अपने क्यारी को पूरी तरह तैयार कर दिया है। गाइस, आज मैंने कुछ नवा सोचा है। अगर मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने आप तो गार्डनिंग करता हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ को भी मैंने बोला है कि तुम भी कुछ घर में बैठे रहते हो, बेले बैठे रहते हो तुम लोग, तो तुम भी कुछ इंटरेस्ट लो गार्डनिंग में। तो मैंने उनको बोला है कि आज आके तुम भी बीज को लगाओ। तो मैंने अभी बोला है, देख जैसे आते हैं तो वो पालक लगा के दिखाएंगे आपको। तो ऐसे ही गाइस, आप अगर घर में टाइम अगर आपके पास नहीं होता तो आप भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इसमें तो टाइम पास हो जाता है बढ़िया और आपका माइंड फ्रेश रहता है। तो मैंने आज उनको बोला है कि आज आप पहले पालक आप ही लगाएंगे, तो देखते हैं गाइस वो लगाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है। तो आज उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पालक लगा के दिखाऊंगी। मैं लाइन बना दी है इसमें। अब हम इसको मिट्टी से दबा देंगे। हमने पालक लगा दी है और हमने हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी को प्लेन कर देना। मेरी पहली वीडियो है, आपको कैसी लगी? तो आप अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, देखा आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करी मेरी वाइफ ने पालक लगाने के लिए। तो इसको मैं जो भी रिजल्ट होगा आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज इसको मैं अभी पानी नहीं डालूँगा, इसमें मॉइस्चर पहले ही इससे ज़्यादा था मिट्टी में। तो मैं इसको रात को आके पानी शाम को डालूँगा। तो जो भी इसका रिजल्ट होगा आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।